हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ हिंदी भाषा और साहित्य प्रश्न पत्र 2 से एक महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द भंडार। ये JPSC मेंस और JSSC CGL मेंस में जिन्होंने भी हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र रखा है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और शब्द भंडार मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं शब्द भंडार। शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि शब्द कैसे किसे कहते हैं। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अलग अलग ध्वनियों के मेल से जो शब्द बनता है और जो सार्थक वर्ण समुदाय जिसे हम लोग कहते हैं वही शब्द हैं। शब्द स्वयं भी बनकर आते हैं, प्रकट होते हैं, या फिर अन्य शब्दों को साथ में मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। शब्द किस प्रकार से अर्थ प्रकट करते हैं? कभी कभी कोई शब्द स्वयं में ही पूर्ण होता है और अपने अर्थ को बताता है, और कभी कभी अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए अन्य शब्दों का भी सहारा लेता है। तो इस प्रकार से शब्द किसे कहते हैं हम लोगों ने समझा कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द स्वयं या अन्य शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द का अर्थ होता है सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के शब्द होते हैं। जिसका अर्थ होता है वो सार्थक होते हैं, और जिसका अर्थ नहीं होता है जिस शब्द का वो निरर्थक होते हैं। तो सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। अब जैसे सार्थक शब्द देखें तो ये पानी, उदाहरण के लिए पानी सार्थक शब्द है, हम लोग सभी जानते हैं कि पानी क्या है। वहीं अगर इसको उल्टा लिखते हैं, नीपा लिखते हैं, तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये निरर्थक है। तो शब्दों के दो प्रकार भी हम लोगों ने सब समझा। अब हम लोग बढ़ते हैं शब्द भंडार की ओर। शब्द भंडार क्या है? तो अनेक शब्दों के समूह को ही शब्द भंडार कहते हैं। शब्द भंडार का एक इतिहास है, और शब्द भंडार के अगर हम लोग इतिहास को देखें तो काफ़ी पुराना है, और 1800 से 19वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक हिंदी भाषा जो शब्द समूह था वो मध्यकाल के अंतिम चरण तक लगभग एक जैसा ही था, बहुत ज़्यादा परिवर्तन उसमें नहीं हुआ था। तो इसका अर्थ है कि इस समय में, इस काल में हिंदी के शब्द समूह में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। कब तक नहीं हुआ? तो मध्यकाल के अंतिम चरण तक। मध्यकाल के अंतिम चरण में परिवर्तन होने लगा क्योंकि यहाँ पर विदेशियों का आगमन शुरू हो गया, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों का आगमन शुरू हो गया। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग शुरू हुआ, विदेशी भाषाओं का, जैसे मुग़ल आए तो अरबी, फारसी, उर्दू, अन्य शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ। तो जैसे जैसे लोग यहाँ आते गए वैसे वैसे शब्द यहाँ की भाषाओं में जुड़ते गए, भाषाओं में परिवर्तन होते चला गया। सामान्यतः भाषा स्वभाव से ही चंचल होती है। स्वभाव से चंचल का अर्थ ये है कि जैसे परिवेश में भाषा होगी, लोग होंगे, तो वैसा ही वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वैसी ही भाषा बोलने लगते हैं। आप अपने भारत में ही देखें, या आप खुद में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप किसी क्षेत्र के हैं और किसी दूसरे भाषी क्षेत्र में चले जाएँ और कुछ सालों वहाँ रह लें, तो आपकी भाषा में बहुत सारे शब्द वहाँ के आ जाएंगे, आपके टोन जो भाषा की है वो उस जैसी हो जाएगी। तो बहुत परिवर्तन होता है क्योंकि भाषा जो होती है ना वो स्वभाव से चंचल होती है। तो समयानुसार, परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव आता है। भाषा, हिंदी भाषा के शब्दों में भी इसी वजह से परिवर्तन हुआ। जिस जिस कल्चर के लोग यहाँ आते चले गए, यहाँ के लोग उनकी भाषाओं को अपनाते चले गए, अपनी भाषाओं में एब्जॉर्ब करते चले गए, तो इस प्रकार से हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाएं आकर मिल गई। अब हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी के जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के हैं। प्रश्न सिलेबस में यहाँ पर यही है कि जो शब्दों के शब्द भंडार में जो ये चार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इनके बारे में बताना। ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक टॉपिक है। तो ये उत्पत्ति की दृष्टि से ये भेद हैं शब्दों के। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद हैं,
तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। अब हम लोग वन बाय वन सबके बारे में समझते हैं। बहुत मुश्किल कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझने वाली बात है। अब हम लोग तत्सम शब्द क्या होता है इसे समझते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को ही तत्सम कहते हैं, यानी कि कोई भी भाषा है उसका जो शब्द है तो उसके मूल शब्द जिस रूप में वो मूल है वही तत्सम कहलाता है, यानी एज इट इज जो शब्द है वो तत्सम शब्द कहलाता है अपनी भाषा का। तत्सम का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो तत् जोड़ सम होता है, और इसका अर्थ क्या होता है तो उसके समान। उसके समान का अर्थ ये हुआ अर्थात संस्कृत के समान। चूँकि हम लोग हिंदी भाषा के इस भेद के बारे में पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही परिवर्तित होकर बनी हुई भाषा है, तो जो भी शब्द संस्कृत के समान है यानी मूल शब्द हिंदी का संस्कृत ही है, तो संस्कृत के समान जो शब्द हैं वही तत्सम शब्द हैं। तो यानी बिल्कुल संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए हुए शब्द तत्सम शब्द हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भी शब्द संस्कृत का है वो तत्सम है। हिंदी भाषा के अनेक शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण किए हुए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि, ये संस्कृत से लिए हुए शब्द हैं। जो ये पूरी के इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है कि हिंदी में आने के बाद इसमें कोई परिवर्तन हुआ। अब हम लोग देखते हैं तद्भव शब्द को। तद्भव का अगर संधि विच्छेद करें तो इसका होता है तत् जोड़ भव, और इसका अर्थ होता है उससे होना। उससे होना तद्भव, तत् मीन्स उससे, भव मीन्स होना। इसका अर्थ क्या होता है तो संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर बने हुए शब्द, यानी वैसे शब्द जो संस्कृत से बदल करके बने हैं। तो यानी संस्कृत से ही परिवर्तित होने के बाद जो शब्द बने हैं वो तद्भव शब्द हैं। हिंदी के अनेक शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर अलग अलग, हम मैंने पिछली क्लास में जब आप लोगों को पढ़ाया था इन सब के बारे में, तो आप लोगों ने जाना कि संस्कृत से जब शब्द में परिवर्तन हुआ तो वो प्राकृत बना, फिर अपभ्रंश। और जैसे कोई एक शब्द है जो संस्कृत का था और वो बाद में परिवर्तन को अपनाते गया और बदलते गया, संस्कृत से प्राकृत बना, फिर अपभ्रंश बना, फिर पुरानी हिंदी में आया, और इतने सारे इसके बीच में भी कुछ कुछ हैं, उन सब से गुजरने के बाद काफ़ी बदल गया। तो ये जो बदला हुआ शब्द है वही तद्भव शब्द है, जो उत्पन्न तो संस्कृत में हुआ था लेकिन भाषाओं में परिवर्तित होते होते प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, इन सभी कालों से गुजरते हुए जो अभी वर्तमान में उसका रूप है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो हम लोग तद्भव को समझ गए कि संस्कृत में उत्पन्न तो हुआ था लेकिन भाषाओं में परिवर्तन होने के कारण काफ़ी बदल गया है, इसीलिए उसे तद्भव कहते हैं, लेकिन वो संस्कृत का ही उत्पन्न हुआ शब्द होता है। जैसे कि एक शब्द है जो कि संस्कृत में उस वो उज्ज्वल, ये संस्कृत में उज्ज्वल, जब ये बदल के प्राकृत में आया तो उज्ज्वल हो गया, वो हट गया यहाँ से, और जब ये फिर और बढ़ के आया हिंदी में तो उजाला हो गया। तो जस्ट बिल्कुल कितना, कहाँ उज्ज्वल था कहाँ उजाला हो गया, तो ये परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से एक और शब्द हम लोग देखते हैं, हस्त। हस्त संस्कृत का शब्द है, जब ये प्राकृति में आया तो हत्त हो गया, आधा सौ जो है ये तौ के, आधा तौ के रूप में आ गया, हत्त हो गया, और जब ये हिंदी में परिवर्तित हुआ अभी वर्तमान समय में तो हाथ कहलाता है, तो हस्त से हाथ में बदल गया शब्द। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द में उत्पन्न हुए और काल कर क्रम परिवर्तन सभी को से गुजरने के बाद अभी वर्तमान समय में हिंदी भाषा में जो यूज़ होते हैं वो बिल्कुल बदले हुए शब्द होते हैं। उत्पन्न संस्कृत से ही होते हैं लेकिन वर्तमान में उसका जो स्वरूप है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। अब हम लोग देशज शब्दों को देखते हैं। देशज का अर्थ क्या होता है, देश में जन्मा। इसे संधि विच्छेद करें तो देश जोड़ ज होगा। तो ये अर्थ समझा हम लोगों ने कि देश में जन्मा शब्द जो है उसे देशज कहेंगे, नाम से ही क्लियर है। ऐसे शब्द जो परिस्थितिवश
आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय प्रभाव में आने के कारण बने और प्रचलित हो गए, इसे देशज या देशी शब्द कहते हैं। तो जो शब्द, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में परिस्थितिवश बन गए, क्षेत्रीय प्रभाव में आने की वजह से बन गए और फिर प्रचलित भी हो गए, उसका इस्तेमाल होते रह गया, तो उन्हें ही देशज शब्द कहते हैं। यानी देश कोई क्षेत्र है, प्रदेश है, वहाँ की भाषा भूमि में उस कोई शब्द बना और प्रसिद्ध हो गया। जैसे थैला, पैंट, गड़बड़, पैंट दो बार मैंने लिख दिया, पगड़ी आदि। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्रीयता के कारण उत्पन्न हुए शब्द हैं और फिर प्रसिद्ध हुए हुए शब्द हैं। अब हम लोग विदेशज शब्द क्या हैं इसे देखते हैं। तो विदेशज शब्द उन्हें कहते हैं जो विदेश में जन्मा हो। विदेश जोड़ ज, इसका अर्थ ये होता है विदेश में जन्मा। हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल के संपर्क में आने के कारण यहाँ प्रचलित हो गए। चूँकि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग देशों के लोगों का आगमन हुआ, अंग्रेज़ों का, फ्रांसीसियों का, पुर्तगालीज का, आप लोग जानते होंगे, तो अलग अलग लोग जब आए तो उनकी भाषाएं अलग अलग थी और यहाँ के लोगों के संपर्क में आने के कारण यहाँ के लोगों ने उनके बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से अपने भाषा में शामिल कर लिया, तो वो विदेशज शब्द कहलाए। तो अन्य देशी भाषा से आए हुए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। तो देशज शब्द और विदेशज शब्दों के अर्थों को अब हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग देखिए विदेशज जो शब्द हैं, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं, इसलिए मैंने पूरा जो जितना एग्जाम्पल है जो ज़्यादातर प्रश्न के रूप में पूछा जाता है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे कैप्टन, ऑफिसर, कंपनी, क्रिकेट, जो जनरल वे में हम लोग यूज करते हैं जिन शब्दों को, वो विदेशी शब्द हैं। अब जैसे बहुत सारे हिंदी में ऐसे शब्द हैं जो फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, जैसे काजू, कारतूस, कूपन, अंग्रेज, लाभ, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन ये सब क्या घुमा फिरा के प्रश्न में आ जाते हैं कि ये जैसे कोई शब्द दिया है ये किस भाषा का शब्द है, नीचे ये सब ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। अब जैसे रूसी शब्द है बोधगा, मेघ, जापानी शब्द है रिक्शा, सायोनारा, फ्रांसीसी शब्द है, देखिए फ्रांसीसी, अरबी, फ्रेंच, ये जो तीन हैं ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं प्रश्नों में और ज़्यादातर यही सब वर्ड रहते हैं। तुर्की, ये भी पूछा जाता है। तो फ्रांसीसी, फारसी भाषा का जो शब्द है उस्ताद, कमीना, कारीगर, कुश्ती, आवाज़, चेहरा, बुखार, ये फारसी का शब्द है। फिर अरबी का कुछ शब्द है अक्ल, अल्लाह, आदमी, एहसान, इलाज, ईमान, उम्र, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है फारसी और अरबी में, इसलिए इसे अच्छे से बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। फिर कुछ शब्द हैं तुर्की, लाश, तमगा, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं के शब्दों को लिया गया है हिंदी भाषा में, पूरी तरह से अपना लिया गया है और यूज़ भी किया जाता है। एक और शब्द भंडार के अंतर्गत शब्द आता है, वो कहलाता है संकर शब्द। इसका अर्थ क्या होता है कि दो अलग अलग स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। बिल्कुल दो अलग अलग स्रोतों से जो शब्द आता है, जिसका मूल जो स्रोत है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और उससे कोई एक नया शब्द बनता है, तो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार, रेलगाड़ी, तो छायादार में छाया संस्कृत शब्द है, दार फारसी शब्द है। तो संस्कृत और फारसी बिल्कुल अलग हैं स्रोत, तो छायादार संकर शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। तो रेलगाड़ी में हिंदी और अंग्रेजी, ये मतलब अलग अलग बिल्कुल स्रोत हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है, शब्द बनता है रेलगाड़ी, तो इस प्रकार ये संकर शब्द है। तो ये शब्द भंडार से बहुत प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो फिर मैंने आप लोगों को बहुत अधिक जो है जितना मुझे ज़रूरी लगा वो बताया है। इसके अलावा छोटे बड़े प्रश्न जो होते हैं बुक वगैरह में, वो भी आप लोग देखें। और हिंदी पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं किसी एक बुक से नहीं पढ़ाती। मैं हिंदी पढ़ाऊँ या कोई भी विषय पढ़ाऊँ, उसके लिए मेरे पास जब मैं एक नोट्स लिखती हूँ आप लोगों के लिए,
तो 4-5 प्रकार के बुक होते हैं मेरे पास, कुछ अपने प्रीवियस तैयारी किए हुए नोट्स भी होते हैं जिसे मैं वर्तमान में सिलेबस को देखने के बाद, प्रश्नों को देखने के बाद फ्रेश तैयार करती हूँ। और इसे तैयार करने में मैं हर एक की मदद लेती हूँ। तो जिस बुक में मुझे जो पसंद आता है, जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, उसे पहले मैं अंडरलाइन करती हूँ, और उसके बाद जब मैं अपने लेसन तैयार करती हूँ तो वो सभी से ज़रूरी 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 जितनी बातें हैं वो मैं नोट करते जाती हूँ। इस वजह से मुझे नोट्स बनाने में समय भी बहुत लगता है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचें कि किसी एक बुक को ख़रीद लेंगे और उससे पढ़ लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। मैंने काफ़ी सारे कमेंट के आंसर में बुक के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये जो भी बुक लेना चाहते हैं वो उसको चेक कर लें, और अगर ख़रीदें तो वही सब बुक ख़रीदें। जैसे हिंदी भाषा का मैं बताती हूँ, सेवांगन, स्पर्धा, मार्गदर्शन, ये जो PCS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हिंदी भाषा साहित्य का बुक आता है, उसी में सारे प्रकार के प्रश्न उत्तर देखने को मिलते हैं। कुछ ग्रामर के बुक अलग से भी मैंने रखा हुआ है, तो उसका भी मैं प्रयोग करती हूँ। तो इसलिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से मैं नोट्स तैयार करती हूँ आप लोगों के लिए। तो वैसे मैंने आज हिंदी का बताया, और जैसे जैसे मैं अलग अलग विषयों की तैयारी करवाऊँगी, अलग अलग लेसन दूँगी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो मैं बुक्स वगैरह बता दूँगी। लेकिन चूँकि मैंने JPSC मेंस का जो एग्ज़ाम दिया है, तो उसके लिए मैंने मेंस के लिए जितने भी बुक लिए हैं ज़्यादातर उनकी सहायता लेती हूँ, और सिविल सेवा की तैयारी के दौरान भी मैंने काफ़ी सारे बुक लिए हुए थे तो उनकी भी सहायता लेती हूँ। मेरे पास बुक्स बहुत सारे हैं तो पढ़ाने के लिए मैं उनका प्रयोग करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक बुक में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी बुक ख़रीदना चाहें आप लोग तो बिल्कुल सोच समझ कर जाकर कंटेंट देखें सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके बाद ही किसी बुक को ख़रीदें, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।